please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली से प्रणव उपाध्याय की बड़ी खबर। दिल्ली के बाबर स्क्वायर में मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अर्जन सिंह के को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी बरार स्क्वायर पहुंचे। इसके अलावा 17 तोपों की सलामी दी गई। इसके अलावा अर्जन सिंह के सम्मान में एयरफोर्स के विमानों ने फ्लाइंग पास्ट भी किया। आज अर्जन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 98 वर्ष की उम्र में अर्जन सिंह का शनिवार को दिल्ली के आमिया अस्पताल में निधन हो गया था। भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह आज अंतिम संस्कार हो रहा है राजकीय सम्मान के साथ। बताएं कि सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज इससे पहले अर्जन सिंह का सेना के आरएनआर रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया था। 98 साल उनकी उम्र थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे, इकलौता वायुसेना अधिकारी जिन्हें 5-स्टार रैंक दिया गया और उन्हें 44 वर्ष की आयु में ही भारतीय वायुसेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके अंतिम दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री ने उनकी मृत्यु पर दुख जताया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, अंतिम संस्कार मार्शल ऑफ स्काई यकीनन अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से एक नायक का जाना है ये, जिसे हमेशा याद किया जाएगा उसके नेतृत्व के लिए और जो हमेशा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। हमेशा उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है। इस समय भारतीय वायुसेना ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरीके का जो जेट सल्यूट है वो दिया गया किसी सैनिक को। और इसके अलावा 17 तोपों की सलामी दी भारतीय सेना की आर्टी ब्रिगेड ने। और ये पहली बार मौका है 1994 के बाद, जब जनरल बीसी जोशी नहीं रहे थे, उसके बाद पहला मौका है जब इस तरीके से सल्यूट दिया गया है। निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति, लेकिन हमेशा उन्हें याद किया जाएगा उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए और साथ ही वो इंस्पिरेशन रहेंगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, क्योंकि वो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ही नहीं थे बल्कि एक इंस्पिरेशन थे कि किस तरीके से विपरीत स्थितियों के अंदर एक सैनिक को नेतृत्व क्षमता देना चाहिए, एक अधिकारी को नेतृत्व क्षमता देना चाहिए और अपनी क्षमताओं से आगे जाकर देश की रक्षा के लिए किस तरीके से कदम उठाना चाहिए। इसका नमूना उन्होंने न केवल 1965 के युद्ध में दिखाया बतौर एयर चीफ बल्कि उसके पहले भी कई युद्धों के वो नायक रहे हैं। उन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया और शायद यही वजह है कि उन्हें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की उपाधि दी गई। जी जी, प्रणय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह, अंतिम संस्कार किया गया राजकीय सम्मान के साथ।